उच्चतम सामान्य कारक HCF। दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट फैक्टर या उच्चतम गुणनखंड है जो दी गई संख्याओं में कॉमन है, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं का पूर्ण भाग हो जाए। हमारे पास दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हैं। लिस्टिंग विधि। इस विधि में हमें दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंडों की सूची बनानी होती है और फिर उनमें से HCF ज्ञात करना होता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण एक, 8 और 12 का HCF ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, 8 के गुणनखंड (1, 2, 4, 8) 12 के गुणनखंड (1, 2, 4, 6, 12) सामान्य कारक या कॉमन फैक्टर्स 1, 2 और 4 है। इन सामान्य कारकों में 4 उच्चतम कारक या हाईएस्ट फैक्टर है। आधा 8 और 12 का HCF 4 है। उदाहरण 2, 24 और 36 का HCF ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, 24 के गुणनखंड (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24) 36 के गुणनखंड (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36) सामान्य कारक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। आधा 24 और 36 का HCF 12 है। प्राइम फैक्टर विधि। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, हमें प्रत्येक संख्या का गुणनखंड करना होगा और HCF प्राप्त करने के लिए सभी सामान्य अभाज्य गुणनखंडों या कॉमन प्राइम फैक्टर्स को गुणा करना होगा। आइए कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण एक, 8 और 12 का HCF ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के तब तक गुणनखंडन कीजिए जब तक कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो हमारे पास दो सामान्य प्रमुख कारक है। चरण एक, यहाँ 8 और 12 का 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। चरण 2, यहाँ 4 और 6 का 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो हमारे पास 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 × 2 = 4। आता 8 और 12 का HCF 4 है। उदाहरण 2, 8, 24 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, चरण एक, यहाँ 8, 24 और 32 का 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। चरण 2, यहाँ 4, 12 और 16 का 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। चरण 3, यहाँ 2, 6 और 8 का 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो हमारे पास 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। 2 × 2 × 2 = 8। 8, 24 और 32 का HCF 8 है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल आर के शॉर्ट मूवीज। Also press bell icon for upcoming educational and entertainment videos. Thank you guys.